जाओ बाबू साहब। इसके नंबर क्या है? इसमें नंबर नहीं है, ये ऊपर ही है। हाल मार का नदी यार सी नदी ना। हां कोई दिक्कत कोई नहीं को साथ करेंगे लाइट ये पकड़ने है ना। वेद खनन से कर रहे थे काम, ट्रैक्टर ट्रॉली पत्थर और बजरी से भरे, कितने ट्रैक्टर जब्त किए? मैंने मेरे जाब्ते की मदद से आज 6 ट्रैक्टरों को डिटेन किया, जिसमें एक पत्थर का ट्रैक्टर है, 5 ट्रैक्टरों में बजरी भरी हुई है। सर ट्रैक्टर मालिक का नाम बता सकते हो क्या? ट्रैक्टर मालिकों का नाम बता मालिक सकता। वो ड्राइवर का मालिक नाम जो साथ में चला रही चालक तो चालक का नाम है जी चेतन प्रजापति मिथुन शहरिया हेमराज सुमन मुकेश मुकेश राम कल्याण मुकेश केवट मुकेश मेहरा राम हेत। सर इसकी कार्रवाई आपने किसको दी? देखिए कि इनकी शिकायत थी तो शिकायत के आधार से कि आज मैं जो है चौकी कोयला से मैं और मेरा जाप्ता पप्पू लाल कांस्टेबल महेश कांस्टेबल वेस्ट इलाका पार्वती नदी की ओर जा रहा था, तो रास्ते में जो है अवैध तरीके से खनन करके रेती और पत्थर भरे हुए ट्रैक्टर मेरे को रास्ते में बारी बारी से मिले, जिनको मैंने डिटेन किया। डिटेन करने पर मैंने खनिज विभाग को सूचित करके कार्यवाही अमल में लाई जाने की जैसी होगी कार्य की जाएगी। ठीक है सर। इस बजरी के अवैध खनन पे आप क्या कार्रवाई करोगे? ट्रैक्टरों ट्रॉली पे अवैध खनन पर नियमानुसार पेनल्टी राशि कंपाउंड राशि ली जाएगी और जुर्माना राशि इसकी जो रॉयल्टी राशि उसका 10 times और 25,000 रुपये कंपाउंड राशि हम लोग इनसे लेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुकदमा दर्ज करा के अगली कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। तो सर क्या ये रसीद कटा के छोड़ सकते हो ट्रैक्टरों को? हाँ नियमों में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति कंपाउंड कराना चाहे तो अपन उसको कंपाउंड कर सकते हैं, कंपाउंड नहीं कराने की स्थिति में हम लोग उसको मुकदमा दर्ज करा के अगली कार्रवाई प्रारंभ करते हैं। ठीक है सर।